हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बड़े ही बेटर सेंटेंस लेकर आया हूं। आप अपने घर के कामकाजों में प्रयोग कर सकते हैं। घर में किसी भी प्रकार का कार्य होता है तो आप किस प्रकार से सेंटेंस को यूज करके बोलेंगे अपने साथियों के साथ, अपने घर में अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बच्चों के साथ में किस प्रकार के सेंटेंसेस शेयर करेंगे, किस प्रकार से इंग्लिश में बोलेंगे, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आप इससे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। आपके सामने सेंटेंस शुरू हो रहे हैं, आपको मजा ना आ जाए तो कहना। आपका सेंटेंस पहला स्टार्ट हो रहा है कि घर साफ सफाई मांग रहा है, घर को साफ सफाई की जरूरत है। द हाउस नीड्स क्लीनिंग, द हाउस नीड्स क्लीनिंग। आप फिर आगे देखिए तो आगे बोलेंगे, या फिर आप आगे सेंटेंस यूज करेंगे अपने साथियों के साथ, अपने घर में अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो कैसे बोलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस? चलो घर को साफ सफाई करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलिए आप, लेट्स क्लीन अप द हाउस, लेट्स क्लीन अप द हाउस। फिर जैसे कि कोई बिजी है, व्यस्त है, पहले से ही काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे मैं घर के कामकाज कर रहा हूं, मैं घर के कार्य कर रहा हूं, तो उसको वो बोलेगा आई एम डूइंग द हाउस होल्ड कॉरस, आई एम डूइंग द हाउस होल्ड कॉरस। फिर उसके बाद सामने से जवाब आ रहा है कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं, आई एम स्वीपिंग अप, आई एम स्वीपिंग अप। उसके बाद मैंने पूछा उससे झाड़ू हो गया, झाड़ू समाप्त हो गया, झाड़ू लगा दिया तुमने, तो वो बोलेगा स्वीपिंग इज डन, स्वीपिंग इज डन। फिर सामने से जवाब आता है कि भाई कचरा कहाँ फेंक दूं, अरे भाई कचरा कहाँ फेंक दूं, तो ऐसे क्यों परेशान हो रहा है, इसको इंग्लिश में क्यों नहीं बोलता, तो हम लोग कहते हैं इंग्लिश में बोल के बता, तो उसको बोलते हैं वेयर टू थ्रू द गार्बेज, वेयर टू थ्रू द गार्बेज। आप कचरा फेंकने, कचरा बाहर फेंक दो, तो इसको इंग्लिश में बोल देंगे हम लोग टेक द ट्रैश आउट, टेक द ट्रैश आउट।